अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजलो करम से अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं वर्सोवा शकरुल्लाह शाह बाबा की दरगाह पे। चलिए अभी हम लोग ट्रेन का सफ़र, मेट्रो का सफ़र करेंगे, फिर शकरुल्लाह शाह बाबा पहुँचेंगे। मुमरा से जाना बहुत दूर है, मुमरा से बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। चलिए अभी हम मिलते हैं ट्रेन में शकरुल्लाह शाह बाबा की दरगाह में। ये अभी हम लोग मुमरा स्टेशन पहुंच गए हैं, मैं और शिफा। अभी मेरी बेटी आने वाली है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हम लोग जाएंगे ट्रेन से खटकों पर। अभी मेरी बेटी और मेरी नवासी दोनों आने वाले हैं, इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेशन पहुंच गए, पहला हम लोग पहुंच गए हैं, अभी वो लोग आने वाले हैं। जैसे ही आते हैं फिर पहचानो कौन है, ये पहचानो ये कौन है। अभी हम घाटकोपर से मेट्रो में बैठे हैं, ये दिख रही है, हम मेट्रो में बैठे हैं। अभी मेट्रो अभी रुकी हुई है, शुरू नहीं हुई है। ये देखिए चल रही अभी ये चल रही है, तो मैं बच्चों को दिखा रही हूँ। देखो बेटा, बीच में खड़े रहकर देखो किस तरीके से ये ट्रेन मोड़ रही है। अंदर से ऐसा लगता है पूरी पूरी ट्रेन टेढ़ी बाकी चल रही है। ये मैं बच्चों को दिखा रही थी कि देखो किस तरीके से ये ट्रेन चल रही है, यहाँ पर पटरियाँ कैसे डाली गई है। तो बच्चे देख रहे थे, बच्चों को अच्छा लग रहा था, बोले हाँ नानी जी हम लोग ऐसा देखे नहीं। अभी बच्चों को मज़ा आया, और गर्मी बहुत होने की वजह से मेट्रो में बैठे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बोला नानी जी मेट्रो में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वर्सोवा, वर्सोवा से शकरुल्लाह शाह बाबा की दरगाह पर जा रहे हैं। देखिए बच्चे कितने खुश हैं जाने के लिए, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कहीं भी जाने के लिए। अभी हम लोग ये रिक्शे भी पहुँचे हैं, हम अभी रिक्शे से उतरे हैं। यहाँ फूल वालों का दुकान है, ये देखिए ये शकरुल्लाह शाह बाबा का गेट है। समंदर है यहाँ पे बीच में, देखिए इसके पीछे की रोड से निकले हैं यहाँ माता। ये देखिए दरगाह के अंदर आते ही बच्चों ने पहले देख लिए कि यहाँ पर बकरी, मुर्गी और कबूतर हैं, तो बच्चे यहीं खड़े हो गए और बोले नानी जी चलिए ना दाना लाकर दो, कबूतरों को दाना डालेंगे। और बच्चे यहीं जमा हो गए, ये देखिए देखने के लिए बस खड़े हो गए कबूतरों को देखते हुए। आवाज़ देखे कबूतरों को उड़ा रहे हैं। मैं बोली नहीं बेटा अभी रुक जाओ, अभी तो अभी हम आए हैं, आराम से बैठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाहर दाना लेने के लिए। दाना तो वहाँ पर मिलता है फूल वालों के पास, वहाँ पर से अपन जवारी हम लेंगे, जवारी लेके फिर कबूतरों को डालेंगे। ये देखिए जाके जवारी लेके आए भी हाथ और में दे। बच्चे जवारी डालने लग गए। ले शिफा यहीं रे।
सोनी बोल के तो डाल, आओ आओ मुट्ठी भर के डालना है ऐसा थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी। हाँ तुम लोग नजदीक डालो, नजदीक आएंगे। देख आए, देख 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 नजदीक आए ना। हम एक डेढ़ घंटा दरगाह में बैठे, बहुत अच्छा लगा। असर का टाइम हुआ है तो हम लोग बोले चलो पहले नगारा यहाँ पर होगा, फिर हम नगारा हो जाएगा तो उसके बाद जाएंगे। असर की नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने और नगारे के इंतज़ार में बैठे थे। थोड़ा बाहर सहन में घूम रहे थे क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मैं कभी गई नहीं थी। एक बार बहुत साल 10-12 साल पहले रात का टाइम था, हम गए और वैसे ही आ गए थे तो मुझे इतना ख्याल ही नहीं था दरगाह का। तो इस बार हम लोग दिन में चले गए ताकि हम मैं देखूं, मुझे याद ही नहीं था कि दरगाह कैसी है और क्या है। यहाँ पर आई तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, बस अभी नगारा होने ही वाला है। चलिए अभी हम पहले नगारा हो जाएगा तो उसके बाद ही बाहर निकलेंगे। गाइस चैनल टू माय वेलकम। ये औरतों की नमाज पढ़ने की जगह है। प्लीज़ अभी हम निकल रहे हैं शकुरला बादशाह बाबा के दरबार से, हम अभी जा रहे हैं घर के लिए। चलिए चलते हैं, अभी हम बाहर निकल रहे हैं दरगाह से। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, आके यहाँ बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा यहाँ पर आके। चलिए मैं आपको वीडियो में सब दिखाऊंगी, शकुरला शाह बाबा के दरगाह का सब आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए अल्लाह हाफिज़। शकुरला शाह बाबा के गेट पे कितना बड़ा ताला लगा हुआ है,